जी हाँ, आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 9 महीने पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अभी तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल पाया है। वहीं किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने अब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी, लेकिन आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत एक समय में नेपोटिज्म का शिकार हुए थे, उनके साथ भेदभाव किया गया था। लेकिन अब आपको बता दें कि गोविंदा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, उन्होंने नेपोटिज्म को लेकर कई खुलासे किए हैं, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई खुलासे किए हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। गोविंदा 90 के दशक के वो एक्टर हैं जिनकी एक्टिंग और फिल्मों को भुलाया जाना नामुमकिन है। जी हाँ, हिंदी सिनेमा जगत में गोविंदा का अहम योगदान रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिग्गज अभिनेता को भी अपने वक्त में नेपोटिज्म का शिकार होना पड़ा था? जी हाँ, आपको बता दें कि गोविंदा ने बड़े पर्दे से अब थोड़ी दूरी बना ली है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आए दिन वो सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। जी हाँ, हाल ही में एक बार फिर गोविंदा ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वो भी कई बार फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का शिकार बन चुके हैं। एक ताज़ा इंटरव्यू में गोविंदा ने अपने फिल्मी करियर और पर्सनल लाइफ के बारे में कई बड़े राज खोले हैं। जी हाँ, इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया कि कैसे उन्होंने फिल्मों में काम पाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया था। वहीं उन्होंने अपने भांजे और फेमस कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक के साथ हुए विवाद को लेकर भी कई सारे खुलासे किए। गोविंदा ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और यहाँ मैं भी नेपोटिज्म का शिकार हुआ हूँ। एक वक्त था जब मुझे काम मिलना बंद हो गया था। इतना ही नहीं, मैंने अमिताभ बच्चन को भी संघर्ष करते हुए देखा है। कई बार ऐसा हुआ कि जब स्टेज पर आते थे तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहाँ से चले जाते थे और मुझे उसका समर्थन करने की सज़ा मिली, तो पता नहीं उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया लेकिन उसके बदले मुझे पकड़ लिया। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि नेपोटिज्म का शिकार गोविंदा भी हो चुके हैं, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म का शिकार हुए थे। जी हाँ, तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट टाइम लाइव से। सर्पी की रिपोर्ट।